गाय दिखाइए जी एक एक करके अपनी। ये देखो जी, सबसे पहले तो ताजा ब्याई हुई है जी। ताजा ब्याई हुई है, पीछे बछड़ा है जी। अच्छा, इसके साथ ये काफ है, ये मेल काफ, मेल काफ है। हाँ जी, और फिलहाल 13 से 14 लीटर दूध तैयार है। 13 से 14 लीटर इस गाय का दूध अभी तैयार है जी। तैयार बता रहे हो? हाँ जी, 6 दिन की ब्याई हुई है। 6 दिन की ब्याई हुई है क्या? हाँ जी। ठीक है, कीमत भी साथ साथ बताइए। कीमत 45,000 रुपया जी। 45,000, 45,000 रुपया। हाँ जी, दूध दे देगी। चला कर भी दिखा रहे हैं, व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं, गाय का स्वभाव भी आप परख सकते हैं। वापस ले आइए जी, बच्चे के अलावा है गाय तो वापस ले आइए। दूध 16 लीटर दे देगी जी। दूध 16 लीटर निकाल देगी आपके अकॉर्डिंग इस गाय की। हाँ जी, मिल्क कैपेसिटी 16 लीटर की है इस ब्यांत के अंदर जी। ठीक है, कीमत भी बता दो जी साथ साथ। कीमत 45,000 रुपया जी। कीमत 45,000, 45,000 है जी। जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्राइस फिक्स बताएं जी, तो ये प्राइस फिक्स है या इसमें कुछ है गुंजाइश? मान सम्मान हो जाएगा जी, ज्यादा नहीं होगा जी। मान सम्मान कितने तक का मान सम्मान कर देते हो जी? वो मौके पर होती है बात जी। फिर भी कोई कर देंगे 1-2 हज़ार का मान सम्मान। 1-2 हज़ार रुपए का मान सम्मान कर दोगे। हाँ जी जी, अगली गाय बताइए भाई साहब। ये सर जी ताजा ब्याई हुई है। ये ताजा ब्याई हुई है, ये 6 दिन की ब्याई हुई है। ये जो व्हाइट और ब्लैक कलर में। हाँ जी, गदरी राठी है, पीछे बछड़ी है जी। गदरी राठी इसके साथ बछड़ी है। हाँ जी, 10 लीटर दूध तैयार है जी। इसका दूध आप बता रहे हो 10 लीटर तैयार है। हाँ जी, ठीक है। और कीमत 25,000 रुपया जी। कीमत 25,000 रुपये। और दूध दे देगी 12-13 लीटर खुला जी। 12-13 लीटर दूध निकाल देगी। हाँ जी, ठीक है। चला के भी दिखा रहे हैं भाई साहब आपको, ये गाय चलाकर दिखा रहे हैं, स्वभाव भी देख पाएंगे आप, साथ ही गाय की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको भी अनुभव कर सकते हैं। बड़ा हम्प है इस गाय में और अच्छा कदकाठी है। अडर भी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर अडर डेवलप हुआ है। काफ इसके साथ बछड़ी बताइए। हाँ जी, बछड़ी जी। इसके साथ फीमेल काफ है, ये जो काफ है ये फीमेल काफ है, बछड़ी है इस गाय की जी। ठीक है, कीमत आपने बताई जी 25,000। 25,000 रुपया जी। 25,000, 25,000 रुपीज जी। ठीक है, अगली गाय के बारे में बताइए जी। वैसे ये दूसरी बार बच्चा देगी जी। ये दूसरी बार बच्चा देगी, अभी 15 दिन बाकी पड़े हैं जी। 15 दिन बाकी है क्या इसके? हाँ जी, ठीक है। इसके सींग अलग तरीके के हैं। ये मिनी है जी, सींग हिलते हुए मिनी है। सींग दिखाइए जी, हिलते हुए मिनी सींग। फेस थोड़ा इधर करवाइए, इधर दिखाते हैं जी। हाँ जी बेटा, पकड़ इसको, इधर ले आओ जी, इधर ले आओ, इधर ले बैठाओ, इधर ले आओ। हाँ, रोको, देखो एक बार, ये देखिए जी, मीने सिंह हिलते हुए जी। अच्छा, ये सिंह दोनों हिलते हैं? दोनों हिलते हैं जी, जो शुभ मानी जाती है वो है जी। ठीक है जी, इसके दोनों सिंह हिलते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, गाय आपको चलाकर दिखा रहे हैं, बांध दीजिए, बांध दीजिए, लिए दूसरी बार बच्चा देगी जी। ये दूसरी बार बच्चा देगी। हाँ जी, दूध देने की क्षमता 16 से 17 लीटर है जी। कितने दिन बचे हुए जी ब्याने में? पड़े हैं जी 10 से 15 दिन जी। 10 दिन और ले लेगी। हाँ जी, अडर बहुत तैयार करेगी जी। ठीक है, दूध पिछले ब्यांत का कितना बताया जी आपने? पिछले ब्यांत में 14 लीटर दूध दिया जी। 14 लीटर जी। स्वभाव बहुत ठंडा है, स्वभाव देख पा रहे हैं व्यूवर्स, स्वभाव ठंडा है, ठंडे सील स्वभाव की गाय है। व्हाइट कलर में है, सफ़ेद रंग है, खूबसूरत सफ़ेद, और साथ ही साथ सींग बड़े अच्छे हैं। जो गोपालक मित्र सींग वाली गाय खरीदना चाहते हैं और सींग से भय खाते हैं, उनके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि गाय सींग वाली है लेकिन सींग इस तरीके के नहीं है जिससे भय हो। और साथ ही साथ गाय में एक क्वालिटी और भी है कि गाय कदकाठी और वजन में भी काफ़ी शानदार है। कीमत भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जीतू जी। भाई साहब, गाय की कीमत बता दीजिए जी। 55 है जी। 55,000 रुपीज़। 55,000 रुपये की। 55,000 रुपये प्राइस है। हाँ जी, ठीक है। कितने दिन और ले लेगी जी? 10-12 दिन। हाँ, 10-12 दिन। 10 दिन जो जो सलवटन पड़े हैं जी, ये सारे निकालेगी जी 10-15 दिन, जैसे समय बाकी निकलेगा। में सलवटे हैं। हाँ जी। और एक इसकी खासियत है सर जी, चाहे पैर बांधो चाहे ना बांधो। अच्छा, न्याना न्याना लगाएं या ना लगाएं? वो है न्याने वाली, अपन पर डिपेंड करता जी। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं चाहे। हाँ जी, ठीक है। सींग आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। गाय के सींग बड़े ही प्यारे हैं, नीचे की तरफ डलवा सींग है, सुंदर सींग है। छोटे या बड़े साइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाय के जो सींग है वो हिलने वाले सींग है। काफ़ी रेयर देखने को मिलती हैं ऐसी गायें, जैसी वीडियो में मैं आपको कवर कर कर दिखा रहा हूँ। अगली गाय के बारे में जानते हैं जी। ये गाय बताइए भाई साहब। ये सर जी ताम्बर कपिला साहिवाल है जी। ताम्बर कपिला साहिवाल। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरी बार बच्चा देगी जी। दूसरी बार बच्चा देगी, अभी 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ताम्बर कपिला। हाँ जी, पैर भी लाल, नाक भी लाल, आंखों के बबरे भी लाल, कान भी लाल, पूछ भी और योनि द्वार भी। ठीक है, इनका जो बालों का और नथुनों का कलर है वो तांबे के समान, तांबे के समान है जी, इसलिए इसको ताम्र कपिला कहा जाता है जी। ये बिल्कुल रेडिश नहीं होता, तांबे के समान होता है इनका। हाँ जी, हमारे ठीक है, आपको नॉलेज है जी। ठीक है, नहीं जी, बिल्कुल आपकी जानकारी और अनुभव अच्छा है।
साढ़े सात महीने की आपने बताई, डेढ़ महीना बचा है, डेढ़ महीना बाकी पड़ा जी। दूध की बता दो जी, दूध पिछली बार में 16 लीटर दिया जी इसने, पिछली बार में 16 लीटर दूध। हाँ जी, इस बार में उम्मीद है जी 18 लीटर खुला दे देगी दूध जी। पिछली बार अपने खरीद ली थी लेकिन इसने बछड़ी दी थी तो तभी किसान ने बेचने में कैंसिल कर दिया था जी। अच्छा, उनको 5000 टोकन मनी दी थी, वो इस बार वो कहते जसविंदर भाई जब भी सेल करेंगे आपको देंगे जी। इस बार उन्होंने सेल की और अपने को दे दी, आपको दे दी। हाँ जी, वो 5000 भी एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया जी बीच में। वो उनसे बात हुई थी जी, उनको कहा था जब भी आप सेल करोगे हम भी लेके जाएंगे आपसे, उन्होंने वादा किया था भी आपको ही देंगे जी। ठीक है, कीमत हाँ भी बता दो जी भाई साहब इसकी साथ साथ। कीमत इसकी 65,000 रुपया जी, इसकी कीमत 65,000 रुपये जी। ये गाय की वजह से या ताम्र कपिला की वजह से? गाय की वजह से है जी, ताम्र कपिला गाय बहुत अच्छी है, दूध भी 18-20 लीटर खुला देगी जी। अच्छा, नहीं जी, दूध भी 18-19 किलो लीटर खुला देगी, 18-19 लीटर निकाल देगी, आराम से निकाल देगी जी। ठीक है, कीमत उसी हिसाब से डिमांड किया, दूध क्षमता के हिसाब से, दूध क्षमता के हिसाब से जी। ताम्र कपिला वाली कीमत नहीं रखी हाँ जी। ठीक है, अगली गाय बताइए जी भाई साहब। अगली ये स्वेत सुंदरी है जी, बिल्कुल ठंडा सील स्वभाव है जी, इसका स्वभाव भी ठंडा बता रहे हो। हाँ जी, देख पा रहे हैं व्यूअर्स, आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। 15 दिन पड़े, 15 दिन पड़े बच्चा देने में जी, 15 दिन बचे हुए। हाँ जी, और जैसे पिछली बार में इसने 13 लीटर दूध दिया जी, हाँ, इस बार उम्मीद है अभी 14-15 लीटर खुला दूध दे देगी जी, 14-15 लीटर दूध निकाल देगी। हाँ जी, खुल बैठे। ठीक है, बिल्कुल स्वभाव है। ठीक है, चला के दिखाइए। हाँ ठीक है, वापिस लिया, वापिस लिया जी। ठीक है, कीमत बताइए भाई साहब इस गाय। कीमत 35,000 रुपया जी, इसकी 35,000 रुपये डिमांड कर रहे हो आप जी। 35,000 रुपीज़ जी सर जी। ठीक है, हम्प एवरेज साइज का इस गाय में देख पा रहे हैं आप, सुंदर सुंदर सींग है, राउंड शेप में ऊपर की तरफ राउंड बना हुआ है और थन भी काफ़ी सुंदर है, मुठिया थन है और साथ ही साथ इसके थनों के बीच गैप भी काफ़ी अच्छा है। आप व्यूअर्स देख पा रहे होंगे थनों के बीच गैप भी काफी अच्छा है इस गाय में और थन भी खुद मुठिया थन है। एक महीना हुआ है इसको दूध छोड़ी हुई सर जी। अच्छा, एक महीना हुआ है इसको दूध। हाँ जी, से बड़ी मुश्किल से किसान, हाँ किसान ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा जी इसका दूध। हाँ हाँ, वो कहते जसविंदर भाई सूख नहीं थी पर हरा चारा बंद करके बड़ी मुश्किल से दाना बंद करके फिर सुखाया जी दूध इसका, दूध सुखा। हाँ जी, अब ऑर्डर उतारना दूसरी बार इसने चालू कर रखा है जी। कीमत क्या रखी जी आपने? 35,000 रुपये। 35,000। हाँ जी ठीक है, अगली गाय बताइए जी। ये साहिवाल नस्ल की है सर जी। ये साहिवाल नस्ल में दूसरी बार बच्चा देगी, बिना सींग वाली। हाँ, बिना सींग वाली, बिना सींग वाली है। नाभी देख पा रहे हैं आप, लंबी नाभी है इसके अंदर और सुंदर अडर डेवलप हो रहा है। कितने महीने बचे हैं में इसका? पड़ा है जी एक महीना बाकी जी। एक महीना अडर छोड़ना, थोड़ा थोड़ा चालू कर रखा है जी। हाँ, अभी थोड़ा खुलना शुरू हुआ है। हाँ जी, लेकिन आने वाले दिनों में ही खुलेगा। मुँह से 4 ही दांत है जी। अच्छा, मुँह से 4 दांत बताइए आप। हाँ जी ठीक है, और दूध दे देगी 15 लीटर इस बार। दूध 15 लीटर निकाल देगी। हाँ जी, पिछली बार में इसने दिया 13 लीटर दूध। 13 लीटर दूध पिछली बार में दिया है क्या जी? ठीक है, माथा देख पा रहे हैं आप, फेस देख सकते हैं जी, काफी सुंदर भारी झालर है, गलकंबल भारी है। कीमत भी बता दो जी इसका है की भी? कीमत 35,000 इसकी जी। 35,000 रुपये आपने प्राइस डिमांड की है जी सर जी। ठीक है, ठीक है जी, बांध दीजिए, बांध दीजिए। 35,000 रुपये प्राइस डिमांड की है इस गाय के लिए और ये साहिवाल नस्ल के अंदर है। आपको सभी गाय दिखा रहा हूँ, दो गाय और बची हुई है और साथ में जैसा जीतू जी ने हमें वादा किया है कि वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा उसी समय आपके साथ जो इनका ऑफर है वो भी शेयर किया जाएगा। अगली गाय भी दिखाते हैं जी। ये गाय कौन सी नस्ल की है जी? ये भी थारपार है जी। थारपारकर है। हाँ जी, मिनी है ये भी जी। ये भी मिनी है जी। तो इसके भी सींग हिलते हैं क्या? हाँ जी, हिलते हैं जी इसके भी। इसको कैंडी बोला जाता है जी। हाँ जी, एक कैंडी बोला जाता है, एक सींग ऊपर को एक नीचे को। अच्छा, एक ऊपर को है और एक नीचे की। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल छान स्वभाव है जी। 7.5 महीने की ये भी प्रेग्नेंट है जी। ये 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ जी, दूध दे देगी 14 लीटर। 14 लीटर दूध निकाल देगी। हाँ जी, बिल्कुल ठंडा सील स्वभाव है जी। ठीक है जी, ले आइए जी, वापस ले आइए। थोड़े थोड़े कुछ स्पॉट्स देख पा रहे हैं आप, कुछ जैसे जैसे सर्दी का मौसम नज़दीक आने लगता है ब्लैकिश ब्राउनिश शेड होने लग जाता है गायों में, जो थारपारकर नस्ल की गायें हैं। अन्यथा गर्मियों के अंदर कंप्लीट प्योर वाइट कलर निकल आता है। इस गाय में भी इसी तरीके का पैटर्न आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे ठंड का मौसम आने लगा है वैसे वैसे इस तरीके का कलर बनने लग गया है। गाय का स्वभाव बड़ा ही ठंडा है, गैबिन है, थनों पर हाथ फिरा रहे हैं फिर भी कोई स्वभाव में चंचलता या गुदगुदीपन फील नहीं हो रहा है गाय को, बड़े हम्प साइज के अंदर है। हाँ, इसकी भी कीमत बता दो जी, दूध का रिकॉर्ड भी बताओ जी। दूध 14 लीटर देगी जी। दूध 14 लीटर निकाल देगी। हाँ जी, कीमत 25,000 रुपये जी। कीमत आपने इसकी 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज रखी है। हाँ जी ठीक है, कीमत 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की आपने दो गायें बताई है। हाँ जी सर जी, एक ये बताइए और एक पीछे गदरी गाय भी आई हुई, जो गदरी गाय भी आई हुई है जिसके साथ बछड़ी थी, फीमेल साथ थी। हाँ जी
जो ये गाय बैठी है ये जी, ठीक है, अगली गाय के बारे में जानेंगे, इस गाय के बारे में बताइए जी। ये भी 7.5 महीने प्रेग्नेंट है, बड़ा हम्प है, हम्प का साइज बड़ा है और अच्छे पीठ पुट्ठे की चौड़ाई लिए हुए है। दोनों टाइम का 6 लीटर दूध है जी। अच्छा, दोनों टाइम का 6 लीटर दूध बता रहे हो जी, और वो बछड़ी पी रही है जी, 6.5 लीटर जो दूध है जी। अच्छा, ये बछड़ी पी रही है? हाँ जी, बछड़ी है जी, ये इसकी पिछले ब्यांत की बछड़ी, पिछले ब्यांत के साथ में बछड़ी है जी। ठीक है जी, चल घुमा दो गाय को, वापस घुमा दो जी, वापस घुमा दो। बड़ा हम्प है, देख पा रहे हैं आप, सुंदर कदकाठी है, वजनदार शरीर है, बॉडी काफ़ी हैवी है इस गाय की, हैवी बॉडी है और अट्रैक्टिव फेस, सुंदर सींग, ऊपर की तरफ कर्व लिए हुए, सुंदर लंबी नाभि है। ये राठी नस्ल में है जी? जी सर जी, ये राठी नस्ल की गाय है, लंबी पूंछ देख पा रहे हैं आप, जमीन को टच होते हुए है, अच्छी कदकाठी और वजनदार शरीर है। दूध क्षमता बताइए जी इस गाय की। पिछली बार में इसने 14 लीटर दिया है जी, पिछली बार 14 लीटर निकाला है, इस बार 16 लीटर दूध देने की क्षमता है जी इसकी। 16 लीटर निकाल देगी ये? आराम से निकाल देगी जी, ये 14 लीटर निकाल दे तो भी बहुत बढ़िया रहेगी जी ये गाय। खुला देगी जी अभी 6-7 लीटर तो भी है जी इसके नीचे, 7 महीने के साथ जो ऑफर रहा है वो ऑफर भी आपको बताऊंगा, जीतू जी से इसकी भी जानकारी लेंगे। जसविंदर जी भाई साहब, जो ये गायें आपने दिखाई है जी सर जी, इन सभी गायों को यदि कोई एक साथ लेना चाहे तो इसके लिए कोई लोट का आपने प्राइस भी रखा है जी इनका? सर जी, ये सभी 8 की 8 गायें और एक बछड़ी लेगा जी, अगर कोई सभी 8 गायें जी और जो बछड़ी जो दिखाई है आपने जी वो लेगा तो 35,000 के भाव से मिल जाएगी जी। 35,000 जी, 35,000 रुपीज़ जी सर जी। यहाँ पे अगर सर मान लो कोई आके विजिट करके चेक करके गाय को ले जाना चाहे तो भी अपने पास यहाँ पे रहने सहने की पूरी व्यवस्था है। हाँ। और अगर बाहर फील्ड से गाय खरीदना चाहे किसान से भी, वो भी दिलाई जाएगी, अपने दिला दी जाएगी। अच्छा, किसान से भी चाहिए अगर किसी को खरीदना हो? हाँ जी, तो वो किसान से भी आप डायरेक्ट उनसे मिलवा के दिलवा सकते हो जी सर जी। ठीक है, उसके चार्जेस भी रहते हैं या कुछ घुमाने फिराने का कुछ? जैसे गाड़ी है अपने पास सर जी, हाँ, गाड़ी में उनको डीजल डलवाना पड़ेगा जी। हाँ, पर गाय का 1,000 रुपये कमीशन है जी, पर गाय का 1,000 रुपये कमीशन रहता है जी, रहते जो भी आप गाय दिलाएंगे जी, दिलवाओगे जी सर जी। दिखाने का कोई कमीशन? दिखाने का कुछ नहीं है, दिखाने का कोई कमीशन नहीं है, दिलवाने का कमीशन है। 1,000 रुपये एक गाय के पीछे है जी। अगर ये लोट लेगा तो पूरा लोट 35,000 के हिसाब से सभी गाय, सभी गाय एक साथ, 8 की 8 और बछड़ी साथ में वो दी जाएगी। अच्छा, उसके साथ बछड़ी है? हाँ जी भाई साहब, यहाँ का एड्रेस भी दीजिए जी साथ में। ये अपना गांव 16Z है जी, गंगानगर से 6 किलोमीटर है जी, 6 किलोमीटर है। हाँ जी, तहसील भी गंगानगर है। ठीक है, राज्य राजस्थान है जी। ठीक है, गंगानगर से 7 किलोमीटर मेन हाईवे पे अपना गांव है जी। ठीक है, अपना फार्म है। ओके,